हाय, मेरा नाम अब्रार है, अब्रार जहूर। मैं और मेरी उरी मूवी टीम की तरफ से ढेर सारी नए साल के लिए शुभकामनाएं जी। उरी एक हमारे देश की बहुत अच्छी मूवी है। हम सब ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, पूरे देश को देखनी चाहिए ये मूवी। इसमें जो हमारी आर्मी है किन चीज़ों से लड़ती है, कैसे हालातों में रहती है, वो दिखाया जाता है। मेरा रोल इसमें बस उरी का मिशन हमारे पे ही, वैसा ही कुछ समझ। बहुत अफसोस की बात है, मतलब जहाँ पर भी कोई भी शख्स गुजरता है, किसी भी बच्चे को नहीं देखना चाहिए पर होता रहा है। बस यही कामना होती है कि कब ठीक हो जाएगा। आर्मी की तरफ से भी और सब की तरफ से कोशिश तो यही है कि हालात ठीक हो जाए। और बहुत करीब से देखा है और बस यही कामना रखता हूँ कि किसी और को देखना ना पड़े। सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको डेफिनेशन अगर मैं बोलना चाहूँ तो सर्जिकल स्ट्राइक कुछ ऐसा होता है कि आप कोई एक मिशन करते हो जिसको जिसके बारे में किसी को पता ना चले, ना ही किसी और देश को, ना ही देशवासियों को, अपने देशवासियों को। हाँ, जब मिशन सक्सेसफुल होता है तब बोला जाता है। तो ऐसा कुछ मिशन किया था हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो हाँ, यही है जी। देखिए, मेरा करेक्टर जो है मैं एक एक्टर हूँ। मेरे को मुझे जब कोई स्क्रिप्ट मिलती है, मैं ऐसा कभी नहीं देखता हूँ कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। मेरा काम एक्टिंग करना है। आप मेरे को पॉजिटिव दोगे, मैं पॉजिटिव करूँगा। अगर आप मेरे को नेगेटिव दोगे, मैं नेगेटिव करूँगा। इंशाल्लाह अभी मेरे आने वाली मूवी कमांडो थ्री आ रही है, आई थिंक अगस्त में आई। वो उससे पहले कार्तर एक वेब सीरीज़ है जो कि बालाजी ऑल टेलीफिल्म से वेब सीरीज़ है, जिसमें मैं एक क्रिकेटर का रोल करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि खाली नेगेटिव, पॉजिटिव भी अच्छा लगता है। एंड मेरे को कोई डिफरेंस ही नहीं पता चलता क्योंकि ये कोई अलग ही करेक्टर होता है जो परफॉर्म करता है उस वक्त। मैं एज ए ह्यूमन बींग, वट एवर जो भी आप मेरे को दोगे, मैं वही। मेरा हमेशा से मकसद रहा है कि जो भी काम मिले पूरे 100% एनर्जी से, ध्यान से और सोच समझ के करूँ, बस इतना ही है जी। स्टार कास्ट मेरा फेवरेट है, जो विकी कौशल। इनफैक्ट आई थिंक 2 साल पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पर मैंने बोला था कि ये जो बंदा है ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, जिसमें इसको डांस भी आता है, एक्शन भी आता है, आवाज़, हाइट और जिसको बोलते हैं ना बॉडी अवेयरनेस का मतलब जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बॉडी में एक एक्टर के लिए, तो वो बहुत अच्छे से उनने ग्रूम किया है। और सेल्फ मेड आदमी, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं, जो कि जो एक गुरूर होता है एक इंसान में जो इतना काबिल होता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इससे क्या होता है, जो आपका को एक्टर होता है वो बहुत कंफर्टेबल रहता है और वो सलाहें सबसे लेता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। इसमें यामिनी गौतम है, हालांकि मैंने यामिनी के साथ तो अभी काम नहीं किया, ना हमने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, पर सुना बहुत अच्छा है। परेश रावल जी है इसमें, परेश रावल जी, इट वॉज़ अ ड्रीम। आदित्य दार जिसने जो डायरेक्टर है मूवी के, वो बहुत ही सॉर्टेड है, बहुत ही मतलब उनका विजन बहुत क्लियर है कि वो दिखाना क्या चाहते हैं, ऑडियंस को दिखाना क्या चाहते हैं और कितनी ऑथेंटिसिटी से वो इतने डीप गए हैं। मतलब ये पूरी मूवी जो शूट की थी हमने सर्बिया में की थी, कश्मीर में नहीं की थी, उरी में नहीं की थी। तो आप सोच सकते हो कि जब आप कोई मतलब कोई कश्मीर का सेटअप आपको किसी विदेश में सेट करना हो तो वो कैसा होगा, कितना डिफिकल्ट होगा। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने आर्ट डिपार्टमेंट को, आदित्य सर को, जिसने इतनी शिद्दत से ये सारा काम निभाया है। और मितेश मिर्तजा ने जो हमारे DOP है, उनके साथ मैंने नीरजा में काम किया था। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनके स्टेप्स होते हैं जब वो कैमरा चलाते हैं, तो उनके साथ मैच करना वो बहुत आसान था। तो या आई एम ब्लेस्ड टू वर्क विद सच पीपल। उरी, जब आप मूवी देखोगे शायद आप डरोगे, बट उरी एक छोटी सी जन्नत है जो पहाड़ों के बीच में आती है, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में उरी है। तो अगर हम इतने लकी होते, अगर हालात वहाँ पर ठीक होती, तो आई थिंक दुनिया का सबसे ज़्यादा टूरिज्म वहाँ पर होता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हालात ठीक हो जाए, इंशाल्लाह आई होप सो सून, तो सच में
पूरी दुनिया में अगर जन्नत है तो सच में उरी के आसपास ही है, वो चाहे पाकिस्तान में हो, वो चाहे हिंदुस्तान में हो, हम लोगों ने ये शेयर किया हुआ है। तो अगर फसाद ना हो तो आप उरी को किसी और तरीके से जान पाओगे। उरी को कैसे दिखाया है उधर, जो और सेट आपने बाहर शूट किया है इंडिया से बता रहे हैं आप? उरी को देखिए, जो हमारा जो मिशन हुआ था, उरी का जो मिशन हुआ था वो हाई सिक्योरिटी जोन है। तो वहाँ से 3 किलोमीटर पहले इंडियन आर्मी जो गई थी, जो पाकिस्तान में उरी आता है, तो वहाँ पर जो भी सेटअप था लोगों का वहाँ पर, तो वो हटाने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पर गई और वापस सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गए। सो अब इससे आप जान पाओगे कि कैसा जोन होगा, ये वॉर जोन है। जैसे करगिल करगिल को आप जानते हो, तो वैसा ही उरी भी है, तो बॉर्डर लाइन है, तो वैसा कुछ है। बट हाँ, अगर उरी के पास, मैं खुद पर्सनली उरी गया हूँ बचपन में, तो मैंने उरी को अलग तरीके से देखा है। वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं देखा था, तो हम तो पिकनिक के लिए जाते थे। और हाँ, ये बहुत नॉर्मल था, आर्मी वार्मी बहुत सारी नॉर्मल थी, बट हाँ, जन्नत जैसी है। सर्जिकल स्ट्राइक, मैं फ्यूचर में यही एक दुआ रखता हूँ कि कभी स्ट्राइक स्ट्राइक ना हो जिसमें किसी भी ह्यूमन का लॉस ना हो, वो चाहे कोई भी हो। सुधार ही चाहते हैं हम लोग, इंसान की जान ही चाहते हैं, मतलब जैसा भी है वो रास्ता जो भी हो, बट इंसान की मौत ना हो, तो यही चाहता हूँ हर जगह से। बस ऐसा कोई उपयोग हमारे प्राइम मिनिस्टर निकाले कभी, तब हमारा भी दिल खुश हो जाएगा। मैं फ़ैन हूँ इंडियन आर्मी के कॉस्ट्यूम का। मुझे हिंदुस्तान के आर्मी का यूनिफॉर्म पे बहुत गर्व है, जैसे भी है जो भी, और इंडियन आर्मी, आई मीन वो सबसे, आई थिंक अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को अगर कोई काम करना चाहिए, मुझे लगता है आर्मी जो हमारे लिए, अगर हम हैं, अगर वो है तभी हम हैं, तो वो हमारी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा रखते, तभी हम यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं आपके सामने। तो मुझे लगता है देश को कुछ और ही करना चाहिए, कुछ ज़्यादा करना चाहिए आर्मी के लिए, हालांकि कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप जब वहाँ पर जाओगे, अगर आप देखोगे कि वो फेस क्या क्या करते हैं, उनके लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। कैसी केमिस्ट्री रही आ रही है उसके यामी के साथ में, या फिर हालांकि मैंने यामिनी के साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया, बट विकी के साथ किया। विकी इज़ अमेजिंग, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है क्या नहीं करना चाहिए उसने मेरे से सीखा। मैंने ये सीखा है कि क्या करना चाहिए, बट अमेजिंग, आई मीन यू नो, हमारे साथ ही रहते थे, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि किसी स्टार के साथ बातें करें, कोई हमें सिखा रहा है, मतलब आई यू नो, जब आप ऐसे किसी खास आदमी से मिलते हो, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बात ना करूँ, जितना वो बात करे वही सुनूँ, क्योंकि सुनने से आदमी सीखता है। बस आप, मतलब यू नो, फीलिंग ब्लेस्ड। उसमें पता है ऐसा कुछ होता है कि जब मुझे स्क्रिप्ट मिलती है, मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ कि इसमें, मुझे जो भी डायरेक्टर बोलता है, जैसे भी बोलता है, ये कैरेक्टर ऐसा है, इस मूवी में मेरा नाम इदरीस है, तो कश्मीरी और पाकिस्तानी मिक्स, मगर मैंने जानने की कोशिश नहीं की ये कहाँ से क्या है। जितना भी है, जो भी है, जो भी है स्क्रिप्ट पे वही दिया है, वैसे ही परफॉर्म किया है। आज का कश्मीर दिखाया है, 15-20 साल पीछे का दिखाया है, नहीं जो नहीं पत्थरबाजी आजकल चल रही है उधर, ये चीजें भी दिखाई है फिल्म में? आपको यकीन नहीं होगा, 15 साल पहले भी कश्मीर ऐसा ही था और आज भी वैसा नहीं, तो ही। अभी अभी जो उरी, हालात है, हाँ, अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजी वाइज, इंडियन आर्मी वाइज, आई थिंक 15 साल आगे का दिखाया है, आगे फ्यूचर। जब कश्मीर जाएंगे तो कैसे स्वागत किया जाएगा आपको, बिल्कुल उसको भी कब? नहीं, आई थिंक वहाँ की जो ऑडियंस है वो बहुत सेंसिबल हो गई है टुवर्ड्स एक्टिंग। ऐसा नहीं है कि हम बुरा कुछ दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हम सही दिखा रहे हैं, हम जो भी दिखा रहे हैं, जो वाकई हुआ है वही दिखा रहे हैं। तो कश्मीर मेरा घर है, सो वहाँ की जो ऑडियंस है वो मेरे लिए खास है, तो हमेशा दिल के पास ही है, तो वहाँ से तो मुझे बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हमेशा मिलती है। सो हाँ, मैं मतलब मेरे ज़्यादातर फैंस जो हैं वो कश्मीर से ही हैं। इनफैक्ट खाली मैं ही नहीं हूँ, मतलब मेरी बहन भी है इस इंडस्ट्री में, ज़ायरा, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो नहीं, बचपन से मेरा शौक क्रिकेटर था, इनफैक्ट मैं क्रिकेट
मैं क्रिकेटर था जब तक मैं 17 साल का था, फिर एक्सीडेंट की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया। हाँ, अगर आप मेरे को अभी भी ऑप्शन दोगे, क्रिकेट मेरी पहली जान है, बट खुदा मेरे पे बहुत मेहरबान हुआ है कि दूसरा चांस दिया है जो मैं सच में दिल में करना चाहता था, दिल से करना चाहता था। ऐसा था कि एक कश्मीरी, स्पेसिफिकली कश्मीरी, ने पूरी ज़िंदगी आई थिंक 16 साल की उम्र में देख चुका होता है। मैं पहले कश्मीर में था, फिर चेन्नई में था, फिर बैंगलोर, फिर बॉम्बे। ये सारा एक्सपीरियंस अकेले सफ़र करना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक पूरी ज़िंदगी को देखना 16 साल की उम्र तक। और आप ऐसा कुछ, चेन्नई कुछ ऐसा था जहाँ पर मेरी जो भाषा है वो उर्दू हिंदी, मैं हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानता था। हिंदी थोड़ी बहुत हाँ, जो उर्दू से बहुत मिलती जुलती है। एक कश्मीरी को चेन्नई में भेजना, थिंक वो शायद पनिशमेंट थी। बट हाँ, ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त चुप रहने में ही भलाई होती थी, क्योंकि आप बोल नहीं सकते हो, क्योंकि वो समझ नहीं सकते। तो आपने इतनी लाइफ को देखा होता है ना, तो उसको अब जब आपने एक्टिंग चूज़ किया है, आपको बस दिखाना है कि आपने महसूस क्या किया था जब आप बोल नहीं पाते थे। तो एक एक्टिंग में यही मेरा एक सबसे बड़ा टूल बना। जो भी मैंने अभी तक देखा है बस वही दिखाना होता था और कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा एक्टिंग पे ही फिर काम किया 17 साल से, मतलब जब मैं मेरी उम्र 17 साल थी उसके बाद, क्रिकेटर के बाद। ये नहीं पता था कि एक्टर बनूंगा, बस मॉडलिंग की, मॉडलिंग तक मैं बहुत खुश था, क्योंकि कश्मीर से बहुत कम एक्टर्स निकले, बहुत कम। तो ये कभी यकीन नहीं हुआ कि बन जाऊंगा, बट आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे स्टेप्स, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अभी भी यकीन नहीं होता कि आपके सामने बैठा हूँ। बट हाँ, हमेशा इस बॉलीवुड की इज्जत करूँगा, बस यही है। अपना आइडियल किसको मानते हैं ब्रा? आइडल एक एक्टर है हॉलीवुड में, हीथ लेजर। वो उनका काम देख के ऐसा कुछ होता है कि यार ऐसा कौन इंसान कर सकता है। तो अगर आप आइडल बोलते हो, वो अनुपम खेर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, नसीरुद्दीन शाह है, दीपक डोबरियाल और जिम सर, बहुत सारे हैं, विकी कौशल, ये सारे जो आजकल, मतलब ये ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं, मतलब हमेशा एक एक मूवी से कुछ ना कुछ तो सीख लेता हूँ।